आप जैसे लोग हैं जो सचमुच में देश को बनाते हैं, और जो मदद आप लोगों को मिलनी चाहिए उनको वो मदद नहीं मिलती। नीचे से एक बार सोचिएगा, इसलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। अगर एक विश्वकर्मा का बैंक बनाया जाए तो कि सिर्फ वो विश्वकर्मा को ही लोन दे, तो और अच्छा हो जाएगा। मैं आपका शिष्य हूँ, आप बताओ मुझे क्या करना है। टैक्स अब बनाना शुरू करते हैं। आप ये जो लक्कर मंडी है, टिम्बर मार्केट और फर्नीचर ब्लॉक, ये एशिया महाद्वीप में फर्नीचर के मामले में सबसे आगे है। यहाँ हमारे कृषि नगर के अंदर में लगभग 10,000 आदमी यहाँ काम कर रहे हैं, वर्कर हैं। नमस्कार। अभी यहाँ पे क्या बन रहा है? कुर्सियाँ बन रही है। अभी कुर्सी का काम चल रहा है। बढ़ाई का काम सीखे, किससे सीखे आप? हम जानजात बढ़ाई है ही है। और ये जो मशीनें हैं, हाँ, ये तो आप बड़ी सिंपल मशीन यूज कर रहे हो। हाँ, जैसे ड्रिल यूज कर रहे हो। हाँ, सैंडर यूज कर रहे हो, मगर आपने थोड़ी ज्यादा टेक्निकल मशीनें नहीं के बारे में नहीं सोचा? जैसे कंप्यूटर से आप ये सब काम कर सकते हो। सर, पढ़े लिखे हैं हम, दिमाग बहुत है, लेकिन पैसा नहीं, पैसे की कमजोरी से हम लोग बस बैठे। क्योंकि सब काम आप कंप्यूटर प्रोग्राम से कर सकते हो। हम 100-200 वर्करों को काम कराने की क्षमता रखते हैं, लेकिन क्या करें, हम अकेले कर रहे हैं। अच्छा, अगर आप लोन ले सकते थे, हाँ, तो फिर आप क्या खरीदते? अगर लोन मिलता तो मैं धंधा बढ़ाता, मेरे पास पैसा होता, लकड़ी खरीदता, बड़ा ऑर्डर पकड़ता है, कारीगर को रखता है, औजार खरीदता। पैसे हो जाते तो दिमाग बढ़ जाता है, सारा दिमाग पैसे के ऊपर। कि अगर बैंक जाओ तो 100 प्रूफ मांगते हैं, वो हमारे पास है नहीं। काम करने वाले लोगों को ना, उनको एक आधार कार्ड पे 1-2 लाख रुपया सरकार अगर इशू करे, इस पैसे से आप जाओ अपना काम कर लो, वो आगे बढ़ सके। बड़ा उद्योगपति जाता है बैंक में, कोई पूछताछ नहीं होती, कोई नहीं होता, 2 मिनट में दे देते हैं पैसा। हाँ, 2 मिनट। मगर अगर आप यहाँ पे सालों से काम कर रहे हो, हाँ, आपकी यहाँ पे वर्कशॉप है, आप 20-25 साल काटे हैं, हाँ, आप कहीं भाग तो नहीं रहे हो, 1-2 लाख, 3 लाख रुपए के लोन से आपकी पूरी जिंदगी, पूरा आपका सिस्टम ही बदल जाएगा। हाँ, बदल सकता है सर, मगर आपका जो पोटेंशियल है वो पूरा नहीं होगा। हमारी सोच के मुताबिक हमारे पास सुविधा नहीं। मैं सोचता हूँ हिंदुस्तान में पूरा का जो पूरा सिस्टम है, चाहे वो बैंक का सिस्टम हो, सरकार का सिस्टम हो, आप जैसे लोग हैं जो सचमुच में देश को बनाते हैं, उनके लिए वो दरवाजे बंद हैं। और जो मदद आप लोगों को मिलनी चाहिए, चाहे वो बढ़ई हो, पेंटर हो, मैकेनिक हो, उनको वो मदद नहीं मिलती। नीचे से एक बार सोचिएगा, इसलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। एक बार नीचे से सोचिएगा, लोग ऊपर से सोचते हैं। बात बोलिए कि नीचे से देखना चाहिए। हाँ, ये बिल्कुल सही बात। हाँ, बहुत अच्छा लगा। अगर लोगों की मदद करना चाहोगे तो आप इस देश को बढ़ा सकते हैं। सिर्फ एक प्रूफ, हम भारतीय हैं, हमें उस पर 1-2 लाख रुपया इससे हो जाना चाहिए। आप भी प्रधानमंत्री बनिए हमारे। धन्यवाद। पूरे दुनिया का सबसे वर्ल्ड का जो प्रोडक्ट है इधर बन रहे सर, 300-400 रुपए दिहाड़ी उनकी हो रही है बस, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हो रहा सर। नमस्कार, कैसे हैं आप? मेरा नाम रामदयाल शर्मा है, मैं बिहार दरभंगा जिला से हूँ। मैं यहाँ 30-35 साल से काम कर रहा हूँ, 6 बंदे मेरे पास काम करते हैं। तो आप मेन यहाँ पे कार्यकर्ता इंचार्ज हो? जी। इतना खुशी हो रहा है कि बता नहीं सकता। जब मैं उनका नाम सुना जो राहुल जी आ रहे हैं यहाँ पे, तो हम लोग तो बहुत उत्साही हो गया। जहाँ राहुल जी यहाँ भी आ रहे हैं और हम लोग से यहाँ मिलने आ रहे हैं और वो स्कूल का डेस्क बनवाने आ रहे हैं अपने हाथ से, तो हमको बहुत खुशी हुआ इस बात। अब डेस्क अब बनाना शुरू करते हैं। हाँ,
मैं आपका शिष्य हूँ, आप बताओ मुझे क्या करना है। डेस्क बन रहा है टोटल फिलहाल एक सैंपल, और सैंपल के बाद 20। अच्छा, और ये डिज़ाइन उन्होंने आपको दिया है कि ऐसा चाहिए? ऐसा चाहिए। तो अब शुरू करें फिर। चलिए, मंडी में इस तरह के ऐसे कोई भी ऐसे आदमी नहीं आए, कोई नेता, ये तो समझिए एक तरह से बहुत ही अजूबा बात है। फ्लैट रखना है, इसको थोड़ा उठाना है। नहीं, इधर से ही कटेगा, थोड़ा सा हल्का। और खींचते वक्त ज़्यादा जोर देना चाहिए? नहीं, जोर नहीं देना है। ऐसी बात है, हाँ। तो आप सोच ही नहीं सकते थे जो हम उनके साथ में काम करेंगे और वो ड्रेस बनवाएंगे उनके साथ में और उनको बताएंगे जैसे करना है ऐसे करना है। ये किस चीज़ का पीस है? ये पट्टी है सर, ये वाला। क्या क्यों अच्छे? ये नतनी है, जैसे कि बेटी का लड़की। तो ये जो पीस है, ये वाला पीस है? जी जी, ये वाला पीस बनेगा। अच्छा, साइड वाला। हाँ, तो हम ये काटेंगे मशीन पे। भैया जब ये करते हो चश्मे नहीं पहनते? प्रोटेक्शन तो होना चाहिए थोड़ा। हाँ, ब्लेड टूट जाए तो। ये क्या है? जाली मशीन है, कटिंग होता है और इधर आकर के फ्री हो जाता है। अच्छा अच्छा, ये देसी मशीन है? हाँ, देसी है। ये कितने की मशीन है? 15,000 का। थोड़ा पकड़ लो ना, झटका मारो। एक पहले टेस्ट कर लेता हूँ, समझिए। तो रूटर कहते हैं। साथ में काम कर रहे थे तो लगा था कि भाई है, काम कर रहे हैं साथ में। इन मशीनों से किसी कारीगर को चोट लगती है तो बीमा होता है? इसमें बीमा चोट लग गई तो लग गई। बेहतर हो गया ना भैया? आप जो कारीगर लोग हैं, आप सब विश्वकर्मा हो? सब लोग विश्वकर्मा है, बेचता है वो विश्वकर्मा नहीं होता। मेहनत तो आपकी और फायदा किसी और को जा रहा है। मान लो ये आपने बनाई, आप कितने की बेचेंगे? ये 10,000 का जाएगा। अगला बेचेगा वो कितने का बेचेगा? शोरूम में जाएगा, 20,000 का बेचेगा। हां, तो 25,000 रुपए तो आपके नहीं ना? नहीं, वो हमारा नहीं, हमारा तो सिर्फ 10,000। और आप जो सब कारीगर हो, आप सब मिलकर काम करते हो ना? आप एक दूसरे की मदद करते मतलब आप सब यहाँ लड़ रहे हो? हाँ। और वहाँ पे मतलब अमूल सुना आपने? इसके बारे इसकी कहानी जानते हो आप अमूल की? बहुत साल पहले गुजरात में किसान थे, वो दूध बेचते थे मगर उनको रेट नहीं मिलता, जिसकी गाय थी उसको रेट नहीं मिलता। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक संस्था बना दी, सब किसान मिल गए और उन्होंने अपना सारा दूध एक साथ बेचना शुरू किया, डायरेक्ट बेचना शुरू कर दिया। आज वो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी दूध की कंपनी बनी, बहुत बड़ा कंपनी, क्योंकि वो एक साथ हो गए। टेंशन ले रहे हैं क्या? सर, टेंशन नहीं ले रहे साहब, ये अब आगे काम बढ़ाते हैं। आपको एक मजेदार चीज दिखाऊं जिसमें हुक लगा है। जैसे मान लो इसकी उंगली है, अगर उंगली घुस जाएगी तो देखो क्या होता है, रुकेगा, काटेगा नहीं। जैसे ही उंगली टच करेगी वो रुक जाएगा। सरकार आपकी मदद करना चाहते हैं, क्या करना चाहिए सर, कैसे सपोर्ट देनी चाहिए? बैंक लोन दिलवा के, औजार खरीदवा के, क्या कर सकते हैं? जैसे हम लोग बिजनेस करना चाहते हैं, पैसे नहीं होता, किसी का पैसे नहीं होता है तो कोई कुछ भी करने लगता है। तो अगर जैसे हमको बैंक अगर लोन दे, मान लो आपको बैंक ने 3,00,000 रुपए का 5,00,000 रुपए का लोन दे दिया, क्या करोगे? अगर मान लीजिए हमको बैंक अगर 5,00,000 रुपए दे रहा है तो उसमें मशीन भी आ जाएगा, लकड़ भी आ जाएगा। ये जो चाइना में सब कुछ बनता है, चाइना में फर्नीचर बनता है, इससे आपका नुकसान होता है? चाइना का माल आना शुरू हुआ है तो काम तो कम हो गया है, डोमेस्टिक कम हुआ था। अगर एक विश्वकर्मा का बैंक बनाया जाए तो कि सिर्फ वो विश्वकर्मा को ही लोन देगा, कि जो मतलब हाथ से काम करता है, जो लकड़ी का काम करता है, वो बैंक उसी को पैसा देगा और किसी को दे नहीं सकता? बहुत अच्छा हो जाएगा।
बहुत खुश है। ये नीचे रख। हाँ, बच्चे स्कूल में बैठते हैं मगर ये कभी नहीं सोचते कि किसी ने ये बनाया है। हाँ, लेकिन अब सोचेगा। अब सोचेगा। शोरूम में आपकी मेहनत नहीं दिखती, उसमें छुपी रहती है। उसमें छुपा रहता है। अब राहुल जी आप खाना खा लेते हैं, तैयार हो गया उधर। आपको कैसा लगा सर काम करके? बहुत बढ़िया। पूरी धूल मिट्टी। मैं तो बनना चाह रहा करते कैसे हो, बड़ी बात है, मेहनत आप करते हो फायदा किसी और को होता है। हाँ ये तो है। हम लोग के साथ सपने भी नहीं सोचे थे कि राहुल गांधी को देखेंगे, लेकिन साथ रोटी बैठ कर खाए, चाय पिए। इससे पहले यहाँ हमारे पास कोई पूछने वाले नहीं। काफी टाइम ले लिया। हाँ बहुत अच्छा बन गया। आपने बच्चे के लिए कितना अच्छा बना दिया, देखिए ना कितना सोचे आपने बच्चे के लिए, तो अच्छा बना दिए। तो सब बच्चे बैठेगा, कौन बनाए? अरे राहुल गांधी ने बना के दिया मुझे। ऐसे कहेगा सब। मुझे तो बहुत बढ़िया लगा आपके साथ काम करके, तो मैं एक तरह से धन्य हो गए। नहीं नहीं, मैं भी बहुत अच्छा लगा। पहले भी आपको कह रहा था पूरा काम करके, बट जो फायदा मिलना चाहिए आपको, लोगों को आपके मतलब मेहनत का, वो शायद कम मिलता है। और लोग चाइना से मुकाबला करने की बात करते हैं, चाइना से मुकाबला करने वाले आप लोग। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। सरकारों को आपकी मदद करनी चाहिए, आपको सपोर्ट देना चाहिए, बैंक लोन, टूल्स, ये सब मतलब आपको सपोर्ट मिलनी चाहिए। देश की ऐसे युवा की जो प्रधानमंत्री की जरूरत है, जो सबकी आवाज सबके साथ सुने। कैसे थे आपके? राहुल जी ने बहुत अच्छा काम किया और बहुत अच्छा काम किया है। और मैं सोचता हूँ जो ऐसे आते रहे तो हम लोगों का भी थोड़ा नॉलेज और आगे होगा और सोचेंगे आगे और अच्छा से अच्छा। बहुत बढ़िया, आप बार बार मुझे ऐसे मौका दे राहुल जी, बहुत बढ़िया।